आईटी क्षेत्र की अगर हम बात कर लें तो जहां ऐसा लग रहा है कि पिछले हफ्ते बाजार में जो कुछ हुआ या 2 हफ्तों से जो कुछ चल रहा है उसका यहाँ पे कोई ज्यादा कुछ खास हो नहीं रहा, ये अपनी अलग चाल में है। तो क्या लगता है इस बार भी हम ठीक आईटी पकड़ लेंगे क्या? क्योंकि तो काफी अर्ली पकड़ने की कोशिश की है हमने इसको। देखिए मुझे लग रहा है ना, डर तो लगता है और डर है तो अच्छा है। आईटी इंडेक्स कंसोलिडेट करेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब नया लो बनेगा। मुझे बहुत डाउट है कि अब नया लो बनेगा इंडेक्स का, बिकॉज देखिए ना, स्टेटमेंट्स सब कुछ चेंज हो रहा है ना। कहाँ रिसेशन से डीप रिसेशन, कहाँ वर्ल्ड बैंक से सब जगह आ रहा था पूरी दुनिया हिल जाएगी, रिसेशन में चली जाएगी। जनवरी में कोई रिसेशन प्राइस ही नहीं कर रहा है, और अब 2023 में रेट स्टेबल होने की बात हो रही है, अब लोग कट डिमांड करने पे आ रहे हैं। देखिए ये ना बहुत दल बदलू दुनिया हो गई, इसलिए ऐसे में क्या है कि हमको अपना साइड करेक्ट करके चलना है। लोग तो अपना स्टेटमेंट देके चले जाएंगे, हमारी लग जाएगी, फिर हालत खराब हो जाएगी, उस पे नहीं जाना जी, है। तो क्या मैं निफ्टी आईटी अगर 31,250 के आसपास उसको पार कर लेता है तो क्या फिर उसमें अच्छी खासी एक अपसाइड खुल जाएगी? देखिए, मुझे लग रहा है कि आईटी सेक्टर पर से बॉटम बना चुका है। लेकिन वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट है, और वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट ऐसा है कि इंडेक्स में 5-10% का फॉल कभी भी डाइजेस्ट करना पड़ेगा। इसलिए इसमें एकदम ये कहेंगे कि डिसीजन ले लिया जाए कि अब यहाँ से आईटी इंडेक्स को कुछ नहीं होगा, नहीं। आईटी इंडेक्स 6 महीने कंसोलिडेट करनी चाहिए, और अगर 6 महीने कंसोलिडेट कर जाती है, मान लीजिए कि 6 से अगर 9 महीने तक पहुंच गया, ये कंसोलिडेशन आप ढंग से देखिए, तो ये फिर शुरू अभी हुआ जो है चाल लास्ट। देख रही है, अभी जो ऊपरी चाल बनी हुई है, वो कहाँ पे जाके रुकती हुई आपको लग रही है, और उसके बाद वापस कंसोलिडेशन का दायरा क्या बनेगा? आईटी का उस दोनों चीज समझाता हूँ। पहला चीज क्या है ना कि टाइम वाइज समझना जरूरी है। देखिए मार्केट पे अगेंस्ट कितना भी डर लगा, लेकिन हम मार्केट पे नेगेटिव नहीं गए हैं। क्यों मालूम है? क्योंकि हमेशा ना टेक्निकल और फंडामेंटल को कंबाइन करके रीडिंग को अच्छे से क्या बोलते हैं उसको, कॉन्क्रीट करना चाहिए। हम 1-1.5 साल के कंसॉलिडेशन में चले गए ना, तो उसके बाद आपके पास कोई नेगेटिव बचता नहीं है फैक्टर करने को, एक्सेप्ट फॉर हमारे उधर में जिनपिंग और वो लोग जो हैं एटम बॉम्ब लेके जो घूमते हैं, बलून लेके घूमते हैं। उसके अलावा कोई रिस्क नहीं, और वो रिस्क तो मैन्युफैक्चर कर सकता है, जो कर सकता है कर ले। उतने के बाद आपको मार्केट में फ्रेश बॉटम नहीं बनता, फ्रेश हाई बनने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। आप बताइए कि 1 साल हो गया ना हमको ये व्यू लेके चलते हुए, अभी भी यही व्यू लेके चले, फंडामेंटल और प्राइस लेवल को कंबाइन करेंगे, रीड करेंगे। आईटी में अगर मुझे 1 साल का कंसोलिडेशन मिल गया, और अगर हमारा नैस्टैक 10,000 1 साल तक नहीं टूटा, इत्मीनान रहिए आईटी इंडेक्स अच्छा ऊपर चलेगा, और जो हमने व्यू लिया है वो सही बनेगा। लेकिन कंसोलिडेशन होना चाहिए, 6 महीने का और कंसोलिडेशन ले लीजिए, क्योंकि मैं इसको लेके चल रहा हूँ ऑलमोस्ट जून लास्ट ईयर से। इसमें जो भी कंसोलिडेशन है शुरू हुआ था, ये बात और है कि इस चीज को आर्ग्यू किया जा सकता है कि अक्टूबर में एक फिर से फ्रेश बॉटम बना, उसके बाद इस चीज को भी आर्ग्यू किया जा सकता है कि दिसंबर में भी एक फ्रेश बॉटम बना, तो ये कह सकते हैं कि अभी तो कंसोलिडेशन शुरू हुआ है। इसलिए मैं यहाँ से 6 महीना और लेके चल रहा हूँ कि उसके बाद मुझे 1 साल का कंफर्ट रहेगा, फिर फेयरली ओके हो जाएगा कि रिसेशन एक्चुअली आएगा कि नहीं आएगा, आएगा तो टच एंड गो होगा, या तब तक कोई नया लफड़ा खड़ा हो जाए, कोई तो नहीं जानता है। आज की तारीख में तो हर दूसरे दिन एक नई चीज निकल गई। अगर उन सब चीजों को अब कोई भी अनफोर्सीन सरकमस्टेंसेस को हटा दीजिए, तो आईटी स्टॉक, इस सेक्टर में अगर 6 महीने तक हमें एक्युमुलेट करने का मौका मिल रहा है, तो एक्युमुलेट कहाँ कहाँ करना है? जहां पे रिजल्ट अच्छा जा रहा है, जहां पे वैल्यूएशन मीन या उससे नीचे आ रहा है, और उनकी कंपनी के एनुअल रिपोर्ट को 2 साल का समझिए कि उनके जो ट्रेजिक जो उन्होंने पाथ डिफाइन किया है उसमें क्या क्या अचीव कर पा रहे हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं।